वेलकम स्टूडेंट टू चैप्टर नंबर टू दैट इज ईआर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्या होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम? एंटिटी मतलब एक टेबल, रिलेशनशिप मतलब अपने डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, उनके बीच में अपने को रिलेशन दिखाना है, तो फॉर दैट रिलेशन वी आर गोइंग टू यूज दिस डायग्राम कॉल्ड एज ईआर डायग्राम। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ईआर डायग्राम। हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ प्रोफेसर महेश माली, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, एंड आई एम हियर टू मेक योर लर्निंग सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस। तो चलो शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर सेशन ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम मींस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अभी डेटाबेस हमने फॉर्म किया जिसमें बहुत सारे टेबल्स हैं। अभी ये जो बहुत सारे टेबल्स होते हैं उनमें अपने कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप डालना पड़ेगा। अभी ये रिलेशनशिप कहां से लाए? तो ये रिलेशनशिप शो करने के लिए हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं। एंटिटी मतलब टेबल, रिलेशनशिप मतलब उनके बीच का रिलेशनशिप। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टेबल्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। नाउ ईआर डायग्राम है, ईआर डायग्राम ये आपके डेटाबेस डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है, अ वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ योर डेटाबेस डिजाइन इज ईआर डायग्राम्स। ईआर डायग्राम बनाए बिना हम लोग अपने डेटाबेस को नहीं बना सकते। तो ईआर डायग्राम इज अ वेरी बेसिक स्टेप। जैसे कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपने को प्लानिंग करनी होती है, तो डेटाबेस की प्लानिंग मतलब ईआर डायग्राम। डेटाबेस की प्लानिंग मतलब ईआर डायग्राम, और इसीलिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज अज्यूम टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटायर प्रोसेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो डेटा एलिमेंट्स, वेरियस डेटा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब आपके टेबल्स बेटा, एलिमेंट्स मतलब आपके टेबल्स, इनको एक रिलेशनशिप में जोड़ना मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआर डायग्राम समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग तीन चीजों को समझे। वन, एंटिटी मतलब टेबल। टू, एट्रीब्यूट मतलब टेबल के कॉलम्स। थ्री, रिलेशनशिप्स मतलब दो टेबल के बीच का लिंक। तो चलो इनको देखते हैं डिटेल्स में। पहला, एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? एनीथिंग, एनी डैम थिंग इन रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड एज एंटिटी। क्या रिक्वायरमेंट है? उसका फिजिकल या लॉजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जैसे कि डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, टीचर, बुक, क्लासरूम। ओके, सो लाइकवाइज इट शुड हैव फिजिकल लॉजिकल एग्जिस्टेंस, और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एंटिटी सेट क्या होता है बेटा? एंटिटी सेट मतलब एक ही टाइप के एंटिटीज का ग्रुप, उनको बोलते हैं एंटिटी सेट। मतलब स्टूडेंट इज अ एंटिटी सेट, क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट नहीं होता, इसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। अभी जब एंटिटी की बात आती है तो दो टाइप के एंटिटीज बोले जाते हैं। एक, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। इसका मतलब होता है ऐसा एंटिटी सेट जिसके पास अपने खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई प्रॉपर्टी है, जैसे एम्प्लॉय के पास है एम्प्लॉय आईडी। एक एम्प्लॉय आईडी वाला एक और एक ही एम्प्लॉय होगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट, एंड दैट इज व्हाई एम्प्लॉय बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ऑन सेम ग्राउंड्स इफ यू चेक अबाउट द वीक एंटिटी सेट, तो वीक एंटिटी में क्या होता है, उसके पास अपना खुद का आईडी नहीं होता। वो क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग की का आईडी
यूज करता स्ट्रॉन्ग की का आईडी वो यूज करता, ठीक है, इसीलिए उसको बोला जाता है वीक एंटिटी टाइप। मतलब क्या, फॉर एन एग्जाम्पल इफ योर पेरेंट्स विजिट्स टू योर स्कूल और कॉलेज, वो लोग वहां पे जाके अपना एम्प्लॉय आईडी नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे रोल नंबर 123 इसका मैं पेरेंट हूं। मतलब दे आर रेफरिंग योर रोल नंबर व्हेन दे आर कमिंग टू कॉलेज, एंड इन योर कॉलेज योर पेरेंट इज अ वीक एंटिटी बिकॉज उनका खुद का प्राइमरी की नहीं है, दे आर कमिंग इन सिस्टम विथ हेल्प ऑफ योर प्राइमरी की, दैट इज रोल नंबर या फिर सैप नंबर, आईडी नंबर, वॉट एवर यू कॉल इट। तो सिमिलरली एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंट, जब आप आपके फादर के कंपनी में जाओगे तो यू आर द डिपेंडेंट, यू आर द वीक एंटिटी सेट, बिकॉज आपके पास आपका खुद का प्राइमरी की नहीं रहेगा, एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ वीक एंटिटी सेट, बिकॉज उसके पास खुद का आइडेंटिफाई करने के लिए खुद का की नहीं है, इट टेक्स हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज वीक। दूसरे पे डिपेंडेंट होना यही वीक होने का एक लक्षण होता है। एट्रीब्यूट मतलब आपके एंटिटी की प्रॉपर्टीज, तो एंटिटी की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज वगैरह वगैरह। बेस्ड ऑन दिस एंटिटी, जिसका नोटेशन एलिप्स नीचे दिया हुआ है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। प्रॉपर्टीज के भी चार टाइप्स है, पांच टाइप्स है। पहला जो टाइप है इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट एट्रीब्यूट, मतलब एन एट्रीब्यूट विच हैज फर्दर एट्रीब्यूट्स इन इट, इसे बोलते हैं मल्टी पार्ट एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे बेटा, मल्टी पार्ट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब क्या बेटा, मल्टी पार्ट, उस पे मल्टीपल पार्ट्स है। देखो नेम, नेम में दो पार्ट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इसे हमने नोटेशन से डिनोट किया हुआ है, एम्प्लॉय नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इट इज अ मल्टी पार्ट एट्रीब्यूट, हेंस इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। होप यू हैव क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एलिप्स। For an example, employee can have one mobile phone, can have two mobile phones, or can have multiple mobile phones. Student hobbies can be one, can be nothing, can be multiple. And such attributes are also called as multi-valued attributes. Next is derived attribute. अभी derived attribute ऐसा attribute आपके database में होता ही नहीं है, ये एट्रीब्यूट आपके टेबल में होता ही नहीं है, बिकॉज इसका कैलकुलेशन किया जाता है रन टाइम। कौन करेगा? एप्लीकेशन, मतलब आपका फ्रंट एंड करेगा। मतलब अगर डेट ऑफ जॉइनिंग आपके टेबल में स्टोर किया हुआ है, तो आज तक का आपका टेन्यूर अगर मुझे निकालना है, तो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट टूडेज डेट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू गेट द टेन्यूर। सिमिलरली एज, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपने स्टूडेंट टेबल में रखा है, तो वहां पे एज एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज एट्रीब्यूट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, एंड इट इज प्रिफरेबल टू स्टोर डेट ऑफ बर्थ बिकॉज इट इज अ लेस चेंजिंग डायमेंशन, वेयर एज एज इज चेंजिंग एवरी डे, हर रोज एक दिन से बढ़ते हैं ना हम लोग, तो फॉर दैट रीजन हम लोग हमेशा डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेव करेंगे। आगे जाके अपना एट्रीब्यूट है की एट्रीब्यूट, मतलब प्राइमरी की, जैसे आपका रोल नंबर है, आपका स्टूडेंट आईडी है, दिस इज योर प्राइवेट आईडी व्हिच कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन एल्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज की एट्रीब्यूट। नल एट्रीब्यूट मतलब कुछ नहीं होता, एम्प्टी रो छोड़ा जाएगा फॉर सेविंग द एट्रीब्यूट व्हिच इज करंटली नॉट इन यूज। इसके आगे जाके देखो, मैंने बोला था दो टेबल का रिलेशन दिखाना है आपको, तो एसोसिएशन बिटवीन वन और मोर देन वन एंटिटीज, डू रिमेंबर वन और मोर एंटिटीज, वन और मोर क्यों, बिकॉज इट माइट हैपन एम्प्लॉई मैनेजेस एम्प्लॉई, मतलब एम्प्लॉयज ही है, मैनेजर भी एम्प्लॉई है ना बेटा, वो भी एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है, तो एक ही रिलेशन एक ही साथ रिलेशन है, एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय, तो दैट इज ऑल्सो रिलेशन, और दिस रिलेशनशिप इज शोन बाय अ डायमंड कनेक्टिंग टू कंसर्न्ड एंटिटीज। फॉर एन एग्जाम्पल, एम्प्लॉई वर्क
for department which is shown in below given diagram. Right? Okay. Next, what is relationship set? Collection of same relationship. Because employee works for department. ऐसा एक थोड़ी employee है, बहुत सारे employees हैं. तो this is also called as employees relationship set. Okay, I guess you are very clear with it. उसके बाद में relationship के बहुत सारे properties हैं. पहला property होता है based on the degree. Degree मतलब क्या? अगर उसमें एक ही entity है, employee manages employee, तो उसे बोलेंगे unary relationship. Unary relationship. लेकिन most common क्या होता है? Binary relationship. मतलब teacher teaches student. Employee works for company. Simple relation. Binary relationship. दो entities हैं, इसलिए binary. ठीक है? Unary मतलब क्या बेटा? एक ही relationship है. Student manages student. Degree one. Binary. Employee works for department. दो entities. Degree two. देखो प्रोजेक्ट असाइन टू एम्प्लॉय एट द स्पेसिफिक लोकेशन. तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हो गए, इसे बोलेंगे टर्नरी. इसके आगे जो आएंगे इनको हम लोग बोलते हैं एनअरी रिलेशनशिप. एनअरी रिलेशनशिप, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. रिलेशनशिप में ही दूसरा कैटेगरी है कार्डिनालिटी. मतलब कितने लोग वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर है. मतलब if now right now one teacher teaches to multiple students, one to many. अगर मैं किसी एक बच्चे का private tuition ले रहा हूँ, किसी बच्चे को नहीं समझा remedial class ले रहा हूँ, private tuition, one teacher teaches to one student, one is to one. Department में manager कितने होते हैं? एक. One department has one manager. So see, A ये department है, B ये manager है. एक department का manager एक हो सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरा बंदा. सो बिलो डायग्राम इज शोन, ईआर डायग्राम. डिपार्टमेंट के इधर वन लिखा है, मैनेजर के इधर वन लिखा है. मतलब वन इज टू वन. द नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्डिनालिटी इज वन टू मेनी. जैसे कि अभी हो रहा है, वन टीचर टीचेस टू मल्टीपल स्टूडेंट्स. ओके, सो दैट इज वन टू मेनी. नेक्स्ट इज मेनी टू वन. अपोजिट, मतलब मेनी स्टूडेंट्स आर टॉट बाय वन टीचर. मेनी स्टूडेंट्स टॉट बाय वन टीचर. मेनी एम्प्लॉइज वर्क्स फॉर वन डिपार्टमेंट. दैट इज मेनी टू वन. वन टू मेनी, मेनी टू वन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. ठीक है, आगे मेनी टू मेनी. देखो लाइब्रेरी में आप बहुत सारे बुक होते हैं, बहुत सारे बच्चे जाके इश्यू करते हैं, तो डेफिनेटली द रिलेशनशिप इज many to many relationship. Hope clear to you. Now तीसरा constraint of relationship is total and partial. Total मतलब क्या? Department must have manager. मतलब without manager department cannot exist. जैसे कि AC cannot exist without compressor. Compressor के साथ AC हो ही नहीं सकता है. तो ऐसे कुछ मैंडेटरी रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस विच इज ऑल्सो नोन एज टोटल पार्टिसिपेशन. इन दिस एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन टू द रिलेशनशिप. एंड द लास्ट वन इज पार्शियल पार्टिसिपेशन. मतलब एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट. चलो करंटली एम्प्लॉय को हायर करके रखा, डिपार्टमेंट नहीं है चलेगा. करंटली डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, एम्प्लॉय को अभी तक हायर नहीं किया, बट आई डू इट लेटर ऑन, चलेगा. मतलब अपने जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स है ना, विच इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड इन डीबीएमएस, विल बी इन फॉर्म ऑफ पार्शियल पार्टिसिपेशन. टोटल तक तब तक नहीं जाना है जब तक आपके क्लाइंट ने आपको मैंडेट नहीं किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 90% रिलेशनशिप पार्शियल दिखाना, बिकॉज टोटल ये कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन हो जाता है. ओके, तो देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट पोजिशन व्हेन वी टेक फॉर टोटल. अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ा दिया. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू वन सैंपल ईआर डायग्राम विच इज द लास्ट टॉपिक फॉर द लेक्चर. देखो यहां पे कंपनी दिख रहा है आपको, कस्टमर ओन्स कार. अभी कस्टमर आप यहां पे वन टू वन भी लिख सकते हो या वन टू मेनी लिख सकते हो. वन कस्टमर ओन्स मेनी कार्स, वन टू मेनी यहां पे आना जरूरी है. कस्टमर रजिस्टर इंश्योरेंस, कस्टमर रजिस्टर फॉर इंश्योरेंस.
अभी एक कस्टमर एक इंश्योरेंस का इंश्योरेंस लेगा, एक कस्टमर एक इंश्योरेंस लेगा ना, मल्टीपल क्यों लेगा इंश्योरेंस? तो आप यहाँ पे 1-to-1 लिख सकते हो। कार रिकॉर्डेड एक्सीडेंट्स, अभी कार कैन हैव वन एक्सीडेंट और कार कैन हैव मल्टीपल एक्सीडेंट्स, सो 1-to-many लिख सकते हो। कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं सर कार तो मल्टीपल होंगे, बहुत से कार है तो बहुत से एक्सीडेंट होंगे, तो मेनी टू मेनी लिखो। अगर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सोच रहा हूं मैं, तो मैं बोलूंगा सर मेनी कस्टमर रहेंगे ना एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो कस्टमर के साइड में मेनी लिखना और इंश्योरेंस के साइड 1 लिखना। और कस्टमर हैज कार्स, अभी देखो पॉसिबल है कि एक कस्टमर जो है वो अमीर हो आप जैसा, तो आपके पास दो दो चार चार कार है, तो आप लिख सकते हो कस्टमर कार मेनी टू मेनी। ओके, हम जैसे गरीब लोग सोचते हैं कि कस्टमर 1-to-many, एक के पास एक कार हो गया बहुत हो गया, ठीक है। तो यू कैन राइट मेनी टू मेनी आल्सो बेस्ड ऑन द परसेप्शन, बेस्ड ऑन द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। कार एक्सीडेंट 1-to-many, तो यहां पे आप कार्डिनलिटी से ये डायग्राम को फुलफिल करो, इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखो फॉर योर प्रैक्टिस। और आज के लेक्चर का असाइनमेंट है आपके लिए, जैसे मैंने आपको एक सैंपल ईआर डायग्राम सिखाया, वैसे ही आप किसी भी वर्ल्ड का कोई भी सिस्टम का एक छोटा सा ईआर डायग्राम, छोटा सा सिंपल सा ईआर डायग्राम आप ड्रॉ करोगे पेपर पे और फोटो निकाल के मुझे भेजोगे। रॉन्ग होगा चलेगा, आई एम हियर टू करेक्ट इट। राइट होगा इट विल बी अप्रिशिएटेड। छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, जो कुछ आपको जैसे डायग्राम बनाने को आता है, यू क्रिएट इट एंड सबमिट इट ऑन आर कमेंट सेक्शन। आई विल इवेल्युएट एंड आई विल पर्सनली गाइड एवरी वन ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेनिंग माई ईयर डायग्राम का बेसिक लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ ईयर डायग्राम एंड अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ a good ER diagram. Thank you very much for attending my lecture. We will meet soon with such another lecture. Thank you very much. तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।